हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए है, और इसमें हम बता दें आपको, जिसमें बात करें कि जो एग्जाम हुआ था गेट 2023 का, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हुआ था, तो उसकी एक्सपेक्टेड ड्राफ्ट तो हम बता ही चुके थे। तो बहुत सारे बच्चों का हमने रिव्यू लिया, उनके हिसाब से हमें देखा कि जो एग्जाम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत टफ आया था, काफी टफ आया था। तो जो एक्सपेक्टेड फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमने बनाई है, तो मतलब इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। तो इसके एग्जाम को देखते हुए कि इसका एग्जाम बहुत टफ आया था, तो हमने एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, जो कि वो आपके सामने ये है कि 2023 में जो कट ऑफ जा सकती है वो 25 से 30 के बीच में जा सकती है, और ओबीसी की जो जा सकती है वो 22 से 27 के बीच में जा सकती है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की जो जा सकती है वो क्या जा सकती है, 15 से 20 के बीच में जा सकती है। पेपर बहुत ज्यादा टफ था, तो इसके हिसाब से हमने ये तो जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, तो उस बेस पे हमने ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।